अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अफसर अली। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए आज हमारे संपूर्ण देश में 21 दिन का लॉकडाउन, पीएम नरेंद्र मोदी का आदेश। कैसे होगा गरीबों का गुजारा, लोग अपने ही घरों में हुए कैद, बाहर जाने के लिए लोग तरस रहे हैं। अभी 6 दिन में ये हाल है तो 21 दिनों में क्या हाल होगा लोगों का। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं और बात करके निर्णय मतलब देखते हैं कि ये पीएम नरेंद्र मोदी का फैसला सही है या गलत। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही नई नई रोज़ वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक और कमेंट करना एकदम ना भूलें। जी मैं बाहर आ चुका हूँ अभी और मैं कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, मैं इनसे कुछ सवाल करता हूँ, देखते हैं ये लोग क्या जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। और खैरियत? हाँ ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। जी आज आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इजाज़त है? हाँ बोलिए। कहने का मतलब मेरा ये है कि आपको तो मालूम है पूरे देश में कोरोना वायरस का कहर चला हुआ है। हाँ, हाँ, तो क्या आप जो है हमारे व्यूवर, यानी मैं एक यूट्यूबर हूँ, हमारे व्यूवर को आप कुछ कहना चाहते हैं कोरोना वायरस के बारे में? हाँ सर, कहना चाहते हैं। बताइए। ये कोरोना बीमारी है, ये बस इसका एक ही इलाज है कि आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बचे रहेंगे। और सबसे बड़ी मुसलमान से ये गुजारिश है कि वो नमाज पढ़ें, रोज़ा रहें और अल्लाह से दुआ करें, इंशाल्लाह सब ये बीमारी दूर हो जाएगी। जी जी जी, बस बहुत 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 धन्यवाद आपका। जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो है मैं सुना हूँ कि मतलब न्यूज़ पे चल रहा है, सब लोग बता रहे हैं और आज से ये लागू भी हो चुका है, क्या मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप मंडी वाले हैं, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये होम डिलीवरी का जो सिस्टम जो चलाया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जनता को? सर मतलब बात ये है कि अब जो फुटकर विक्रेता जो सब्जियां रास्ते में बेचते थे जो रोड पे, अब वो नहीं बेचेंगे। अच्छा अच्छा। अब हो ये रहा है कि अब वार्ड वार्ड के जो सभासद बने हुए हैं वो लोग, तो वो लोग अपने मोहल्ले से या कुछ भी से दो दो लोग चूज कर रहे हैं जो फुटकर विक्रेता थे। जी जी। उनको अपना फोन नंबर और वो जनते में बांट दिया गया, एक स्ट्रिप लिस्ट बना के कहीं दीवार में कहीं खंभे पे चिपका दिया गया, जिससे वो जिस इंसान को मतलब किस चीज़ की जरूरत होगी, मान लीजिए आपको किस चीज़ जरूरत है तो उस नंबर पर कॉल कीजिए आप, तो अगर सब्जी जरूरत है तो आप सब्जी आ जाएगा। जी, बात वो अलग है जो थोड़ा सा गरीब क्वालिटी के इंसान, मतलब गरीब इंसान है, मतलब हम लोग में भाई सबके पास तो पैसा रहता नहीं, भाई कोई काम रिकर होता है रोजगार, रोज दिहाड़ी कमाने वाला था, मजदूर जैसे बोलते हैं उन सबको, वो लोग कैसे करेंगे, सब सोचना चाहिए हम लोग को। लेकिन हाँ ये भी चल रहा है कि कुछ दिया जा रहा है, सब टाउन एरिया में कुछ सामानें दी जा रही। जी मैं बताना चाहता हूँ इनकी बात को यहीं पे रोक करके, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो मतलब नियम लागू किया गया होम डिलीवरी का, वो जो मतलब परफेक्ट जो है आज से चलाना स्टार्ट हो चुका है। इनका कहने का मतलब ये कि मतलब जी हर वार्ड के जो सभासद हैं वो अपने अपने एरिए से दो दो लोग को चूज करके जो है मतलब घर घर पे फल हुआ, मतलब सब्जी हुआ, राशन का सामान हुआ, ये पहुँचाने का काम किया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि जिनके पास पैसा है वो तो जो है अपना फल सब्जी वगैरह मंगा लेंगे, और जिनके पास महंगा मतलब पैसा नहीं है उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इनके कहने का मेन मतलब यही था। जी हम अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहजाद अली है। आप काम क्या करते हैं? मैं बक्से का काम करता हूँ, बक्से का अलाउंडर मिस्त्री हूँ। अच्छा जी, आप कितने साल का काम करते हैं? 20-22 साल हो गया। अच्छा, आप क्या लगता है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं कोरोना वायरस को देखते हुए 21 दिन का जो है लॉकडाउन मतलब लागू किया है देश में, ये क्या सही है या गलत? ये हमारे प्रधानमंत्री जो किए हैं वो बहुत ही हम लोग के फायदे के लिए किए हैं, पूरी ऑल इंडिया के लिए। इसमें हम लोग को पालन करना बहुत ही ज़रूरी है, हम लोग को अपने अपने घरों में रहना बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से बचने के लिए। जी सही बात। तो लेकिन इसमें एक दिक्कत की बात यह है कि जैसे मैं एक रोज खाने वाले लोग हैं हमारे जैसे, उन सबों के लिए प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो कुछ राशन वोशन भेजें छोटे से कस्बा और गांव देहात में। अभी मैं आपकी बात रोक रहा हूँ, कहने का मतलब ये कि हमारे जो है योगी सीएम आदित्यनाथ ने बोला था मतलब 1,000 रुपये और 20 किलो चावल 15 किलो गेहूँ देने का ऐलान किया था, क्या वो आपको लगता है कि वो मिलेगा जनता को? देखिए जो है कहें तो है, टीवी भी दिखा रहा है समाचार में, अब देखो अब पहुँचे तब ना हम लोग मानेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप जो है मतलब रोज मेहनत करने वाले इंसान हैं, रोज बक्सा बनाते हैं और रोज मेहनत करने वाले हैं, रोज मेहनत करके कमा करके घर पे आते हैं तभी आपका घर चलता है। जी, तो आपको क्या लगता है 21 दिन की जो है लॉकडाउन हो गया है, तो 21 दिन के लॉकडाउन के अंदर जो बंदी है आप काम नहीं करेंगे तो आप उसके हिसाब से चलाएंगे अपना? जी एक प्राइम मिनिस्टर जो हमारे किए हैं वो सभी के लिए बहुत अच्छा किए इस बीमारी से बचने के लिए। लेकिन रहा सवाल जो है
इसमें गौर करें जो कमाने खाने वाले रोज के हैं उन सबों को प्रधानमंत्री की तरफ से राशन वगैरह वो सब मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके ज़रा हमारे प्राइम मिनिस्टर ध्यान दें। अब योगी आदित्यनाथ बोले हैं कि 1,000 रुपया खाते में डालेंगे, राशन पहुंचाएंगे गली में, हर कस्बा में, छोटे से गांव में, तो ज़रा इस पर गौर करें हमारे आदित्यनाथ जी, पहुँचाया जाए गली सबके घरों तक, मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री है हमारे चैनल के माध्यम से, मतलब जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी देशवासियों से ये अपील कर रहा हूँ, मैं भी एक आम व्यक्ति हूँ, आम आदमी, तो मैं सबसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग जो है इस बीमारी से बचना चाहते हैं कोरोना से, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर और सीएम जो है बार बार अपील कर रहे हैं आप लोगों से, हम लोगों से, कि अपने अपने घरों में रहें और बाहर निकलें तो ज़रूरत का सामान लेने के लिए, वो भी जो है जिस टाइम मिला हुआ है सरकार की तरफ से, जो टाइम मिला हुआ उसी टाइम का पालन करें, वो पालन करें और फालतू चौराहे पे गली में इधर उधर मार्केट में इधर उधर फालतू ना जाएं, इस बीमारी के चपेट में आ जाएंगे। जी सही बात, सरकार जो है इतना परेशान है जी, हमारे मोदी नरेंद्र मोदी जी पीएम और सीएम योगी आदित्यनाथ जी जो सोच रहे हैं सभी के बारे में, तो उसका नियम का पालन करें जी। और अपने हमारी बस अपने घरों से विनती है आप लोग से, अपने अपने घरों में रहें